शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, और तुमने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। ये खुदा के लोगों के बारे में लिखा है। बस ईमानदार मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की। अटल अटैचमेंट देखो, मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की। क्यों? ताकि उनको बेहतर कियामत नसीब हो। बाज ठिठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए। ये है ईमानदारी। संसार किए गए, आरे से चीरे गए, लेकिन आगे पीछे नहीं हुए। यह स्पिरिचुअल लेवल ईमानदारी की पुख्तगी और अटल ताल्लुक खुदा के साथ। संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइशों में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों के खाल ओढ़े हुए, मोताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में, मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक न थी। वो जंगलों और पहाड़ों और घरों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। ये है ट्रू क्रिश्चियनिटी। इसको कहते हैं अटल रिश्ता खुदा के साथ और उसके बेटे के साथ। चाहे दुनिया उधर की इधर हो जाए, इधर की उधर हो जाए, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो माई लॉर्ड। मैं और आप खुदा के घर में बैठे हैं, आइए दुआ करें। अब मेरे लिए मुश्किल है ऐसे आगे बोलना। आई ट्रेम्बल इन द प्रेस।